हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त और होस्ट जेडी टेक के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम गूगल असिस्टेंट को, ओके गूगल को यानी दोस्तों, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हिंदी में। यानी दोस्तों हिंदी में भी गूगल ने इसको लॉन्च कर दिया और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आज आपको हमारी वीडियो में पता लग जाएगा। तो दोस्तों मेन बात, अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। आज का मौसम कैसा है? दोस्तों अगर आपको भी यूज़ करना है गूगल असिस्टेंट हिंदी में, तो आपको जाना है सिंपल अपनी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको वहाँ पे लास्ट में जाना है अपने लैंग्वेज एंड इनपुट्स में। लैंग्वेज एंड इनपुट्स में जाने के बाद आपको जाना है अपनी लैंग्वेजेस में, और लैंग्वेज में जाकर आपको हिंदी लैंग्वेज को ऐड कर देना। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर कर लिया है तो उसको ऊपर ले आइएगा मेन लैंग्वेज के, और उसको बैक करने के बाद आप उसको ओके गूगल करके यूज़ कर सकते हैं। आज का मौसम कैसा है? आज का समाचार। आप देख सकते हैं कितने जल्दी इसने रिजल्ट अपना लगा दिया है। मेरे लिए अलार्म सेट करो। इसके लिए दोस्तों आपको फोन का एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड मार्शमैलो नोगट और ओरियो ही होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ लग गया होगा कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी अब हिंदी में। और दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक दीजिएगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बताइए कि ये नया फीचर हमारे गूगल में आ चुका हुआ है। और दोस्तों अगर आप दोस्तों मेरे साथ कुछ करने चाहते हैं बातें, या फिर मेरे जानना चाहते हैं कुछ लाइफ के बारे में, तो आप मुझे दोस्तों फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे, मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। सो दोस्तों लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।